नाम है रूबी और स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देख लेते हैं आज की रेसिपी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पोहे की बहुत ही आसान सी मिठाई, और इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 1 कप के करीब पोहे ले लिए हैं, और साथ में गैस पर मैंने कढ़ाई रखी है, और इसके साथ इसमें मैं डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून के करीब घी। तो पहले कढ़ाई में घी डाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये 3 टेबलस्पून के करीब घी डाल दिए कढ़ाई में। इसके बाद जो मैंने यहाँ पर पोहे लिए हैं वो इसमें डाल देंगे। तो 1 कप के करीब मैंने पोहे लिए हैं, और घी के साथ पोहों को अच्छे से रोस्ट करना है। तो मैंने भून लेती हूँ लगातार चलाते हुए। पोहों को अच्छे से क्रिस्पी होने तक हम भून लेंगे। इस मिठाई को बनाने के लिए आप कोई भी पोहे ले सकते हैं, पतले वाले भी ले सकते हैं, मोटे वाले भी ले सकते हैं, और ये मिठाई बहुत ही कम टाइम में बनके तैयार हो जाती है और बहुत ही टेस्टी भी लगती है खाने में। बस इसे हमें जो भी इसका काम है सिर्फ भूनना। भूनने के बाद ये मिठाई हमारी जल्दी से तैयार हो जाती है। तो आप चाहें तो इस तरीके से आप इसे भून कर भी रख सकते हैं जब मिठाई बनानी हो, तो ताकि ये मिक्सचर पूरी तरीके से ठंडा रहे और फटाफट से आप इसकी मिठाइयाँ बना सकते हैं। ऐसे भूनने से हमारे जो पोहे हैं वो कच्चे नहीं रहते हैं, और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है घी के साथ भूनने पर। तो यहाँ पर जो हमारे पोहे हैं भुन गए हैं। 3 से 4 मिनट गैस के फ्लेम को मीडियम रखते हुए मैंने इसे भून लिया है, और इसका कलर है काफ़ी चेंज हो गया है, ये देखिए। तो मैं इसे निकाल लेती हूँ दूसरे बर्तन में। इसके बाद हम इसे पूरी तरीके से ठंडा करेंगे। और यहाँ पर मैंने पोहों को एक बोल में निकाल लिया और इसे पूरी तरीके से ठंडा कर लेती हूँ। आप चाहें तो इन पोहों को इसी तरीके से भी खा सकते हैं चाय के साथ। इसमें नमक, चाट मसाला, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर मिलाकर इसे तुरंत भी चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं, और इसकी मिठाई भी बना सकते हैं। तो मैं इसे ठंडा कर लेती हूँ पहले। और यहाँ पर हमारा ये पोहे का मिक्सचर पूरी तरीके से ठंडा हो गया है, तो इसे डालेंगे ग्राइंडिंग जार में। इसके साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बाकी सारी चीज़ें, तो इसे मैंने ग्राइंडिंग जार में डाल दिया है। साथ में 1/2 चम्मच मैं डाल रही हूँ यहाँ पर इलायची का पाउडर। अगर आपके पास इलायची का पाउडर नहीं है तो यहाँ पर 2 से 3 इलायची ग्रीन वाली जो होती है वो ऐसे ही डाल सकते हैं। साथ में यहाँ पर मैं डाल रही हूँ चीनी, तो ये भी आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 4 से 5 चम्मच चीनी डाल रही हूँ, और इसके बाद यहाँ पर डाल रही हूँ मैं इसमें नारियल का बुरादा। तो ये भी नारियल का बुरादा भी यहाँ पर मैं 4 से 5 चम्मच ही डाल रही हूँ, और यहाँ पर आप ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट को रोस्ट करके और फिर साथ में ऐड कर सकते हैं ताकि वो पोहे के साथ ही अच्छे से ग्राइंड हो जाए। तो यहाँ पर मैंने ये नारियल का बुरादा भी ऐड कर दिया है। इसके बाद इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इसे एक बार ग्राइंड किया है, और इसे हम एक बार फिर इस तरीके से चला लेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये छोटा जार ले रखा है। फिर भी इसे चलाना बहुत ज़रूरी है ताकि अच्छे से पिस जाए। और मैं इसे दोबारा से ग्राइंड कर लेती हूँ, और यहाँ पर मैंने इसे पीस कर तैयार कर लिया है। तो बिल्कुल इस तरीके का ये पीस के तैयार हुआ है, थोड़ा सा ये दानेदार है। इसके बाद मैं इसे निकाल रही हूँ एक बड़े बोल में। तो यहाँ पर एक बड़े बोल में मैं इसे ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। पूरे मिक्सचर को मैंने बोल में निकाल लिया है, और इसके बाद इसका हम एक डो बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैं दूध का यूज़ कर रही हूँ, तो नॉर्मल टेम्परेचर पे मैंने दूध लिया है, और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे, और इसको हम बिल्कुल आटे की तरह घून के तैयार करेंगे। ऐसा हो जाना चाहिए कि बाइंड हो जाए, बिखरे नहीं। तो यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं, तो ये देखिए ये टूट जा रहा है, ऐसा टूटना नहीं चाहिए। थोड़ा सा दूध और ऐड कर रही हूँ मैं, और यहाँ पर ये मिक्सचर हमारा तैयार हो गया। तो इससे ज़्यादा मैं दूध नहीं डाल रही हूँ, नहीं तो ज़्यादा गीला हो जाएगा और इसे हम ज़्यादा दिन तक स्टोर भी नहीं कर पाएंगे। तो देखिए बहुत अच्छे से अब बाइंड भी हो रहा है। चाहे तो आप इसके इस तरीके से लड्डू बना सकते हैं, पेड़े बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से बाइंड होना चाहिए, और आसानी से ये नहीं टूटना चाहिए। ये देखिए पहले आसानी से टूट रहा था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा दूध और मिलाया है। इसी तरीके से चेक करते हुए ये मिक्सचर हम तैयार कर लेंगे।
तो मिक्सचर यहाँ पर हमारा तैयार हो गया है और अब बनाएंगे इसकी मिठाई। तो इसका शेप आप ऐसे भी हाथों से भी बना सकते हैं, पेड़े बना सकते हैं, लड्डू कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ कुकीज़ कटर का। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने ये कुकीज़ कटर ले लिया है जिससे कि प्रॉपर शेप आती है और मिठाई भी देखने में अच्छी लगती है। ऐसा भी नहीं लगता कि हमने इसे घर में बनाया है, बिल्कुल मार्केट वाली मिठाई लगती है। तो मैं इसी से बना रही हूँ उसे। तो इस तरीके से जो मैंने पूरा मिक्सचर रोल कर लिया है और इसे हम डालेंगे इस कुकी वाले मोल्ड में, तो अच्छे से इसे फिल कर देंगे और इसे प्रेस कर देंगे। और यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से फिल कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है बादाम, चाहे आप कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। इसे भी हम हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि ये इस मिठाई में अच्छे से सेट हो जाए और बाहर ना निकले, क्योंकि अलग से हम इसे डालेंगे तो इसका जो शेप है वो बिगड़ सकता है। अगर हम इस तरीके से पहले ही हम इसको सेट कर देंगे तो बिल्कुल भी शेप बिगड़ेगा नहीं। और इसके बाद हम इस तरीके से दो उंगली लगा के ये निकाल लेंगे तो हमारी एक मिठाई देखिए तैयार हो गई है। और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम मार्केट से लेके आए मिठाई और शेप भी प्रॉपर आई है। तो हाथों से तो बना ही सकते हैं, अगर आप इसे मोल्ड से किसी भी मोल्ड से बनाएंगे, जो भी आपके पास इस तरीके का मोल्ड है, तो प्रॉपर मिठाई बनेगी और देखने में भी सुंदर लगेगी। तो मैं दूसरी बना लेती हूँ। इसी तरीके से मिक्सचर को हम पहले रोल करेंगे, उसके बाद हम मोल्ड में डालेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हम पहले मिक्सचर को इकट्ठा कर लेते हैं और इसे हम मोल्ड में डाल देंगे, प्रेस कर देंगे। इसके बाद जो एक्स्ट्रा होगा हम उसे हटा देंगे और एक ड्राई फ्रूट लेकर इस तरीके से इसको भी दबा के सेट करेंगे। तो यहाँ पर हमारी ये दूसरी मिठाई भी बिल्कुल तैयार हो गई है, ये देखिए। तो इस तरीके से ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अगर हम हाथ से शेप देने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और इस तरीके से मिठाई बनाने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता और साथ में ये बहुत देखने में खूबसूरत भी लगती है। तो ये हमारी दूसरी मिठाई भी तैयार हो गई है, ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। तो इसी तरीके से मैं सारी मिठाइयाँ बना लेती हूँ और इन मिठाइयों को आप एक हफ्ते तक आराम से फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, लेकिन इसे फ्रिज में ही रखना है। तो मैं सारे ऐसे ही तैयार कर लेती हूँ। लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये सारी पोहे की मिठाई तैयार कर ली है और 1 कप पोहे से यहाँ पर मैंने 9 पीस बनाए हैं मिठाई के। तो इस तरीके से आप ये मिठाई बना सकते हैं घर पे, बहुत ही आसानी से, बहुत ही स्वादिष्ट भी है और बहुत ज़्यादा चीज़ों का यूज़ भी नहीं किया इसे मैंने, लेकिन फिर भी ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो आप इसे किसी भी फेस्टिवल पे बना सकते हैं या फिर ऐसे भी जब आपको खाने का मन हो तो बना सकते हैं, और इसे स्टोर भी करके रख सकते हैं काफ़ी दिनों तक, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी क्योंकि इसे हमने घी में भुना है और इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा दूध का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मिठाई बिल्कुल गीली नहीं है। इस वजह से ये काफ़ी दिन तक हम इसे स्टोर कर सकते हैं। और मैं दिखाती हूँ कि इसका टेक्सचर कैसा है अंदर से। तो बिल्कुल परफेक्ट शेप में बनी है हमारी मिठाई और कहीं से भी बिल्कुल भी टूट नहीं रही है, और ऐसा लग रहा है कि इसे हमने घर में तो बिल्कुल नहीं बनाया है, मार्केट से ही लेके आए हैं। तो इस तरीके से बना के आप सभी को खिला सकते हैं। तो मैं दिखाती हूँ इसका टेक्सचर अंदर से, ये देखिए अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। ये थोड़ी क्रंची भी है क्योंकि इसे हमने घी के साथ भूना है, तो ये मिठाई थोड़ी क्रंची भी है खाने में। तो इस तरीके से आप ये पोहे की मिठाई ज़रूर बनाइए फेस्टिवल पे या फिर कभी भी बनाइए, सभी को बहुत ही पसंद आएगी। और अच्छा लगने पर फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, कमेंट करके शेयर कीजिए कि पोहे की मिठाई की रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में, धन्यवाद।